आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी, सभी हमारे मंचस्थ नेतागण उपस्थित, बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, आदरणीय साथियों, पाटिल पुत्र से लेकर पटना तक, गौतम बुद्ध से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक बिहार ऐतिहासिक रहा है। एक जुमलेबाज पता नहीं कैसे कह दिया कि मैं गंगा पुत्र हूं, गंगा का बेटा हूं। गंगा के असली संतान तो आप हैं। जुमलेबाजों से बचना होगा। आदरणीय साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, ये बिहार आध्यात्मिक और धार्मिक प्रणेता रहा है, संघर्षों के प्रतीक रहे हैं। पटना हर संघर्ष से, हर संकट से जूझता और लड़ता रहा है। आज फिर देश में संकट के बादल गहरा रहे हैं। संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्था खतरे में है, किसान संकट में है, बेरोजगारी चरम पर है, संगठित लूट हो रही है। मुझे यकीन है कि बिहार फिर एक बार उठ खड़ा होगा। यह यकीन इसलिए भी अधिक है क्योंकि हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी होने का मतलब किसानों के संघर्ष, मेहनत का सम्मान। राहुल गांधी का मतलब गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों के साथ न्याय। राहुल गांधी होने का मतलब गांव और गरीबों की चिंता। राहुल गांधी होने का मतलब अभिव्यक्ति की आजादी और निडर सोच। राहुल गांधी होने का मतलब देश में एक नई राजनीति की शुरुआत। आदरणीय साथियों, राहुल गांधी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमने 3/4 बहुमत हासिल की है। उनके निर्देश पर 1.5 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी, शरद यादव जी, अशोक गहलोत जी हमारे छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण में गए थे। रायपुर से दिल्ली नहीं पहुंचे थे। हमने किसानों के 6,000 करोड़ ऋण माफ कर दिया। आदरणीय साथियों, यह राहुल जी का नेतृत्व था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान हम खरीद रहे हैं। बिहार में भी धान उत्पादन होता है। यहाँ की सरकार कितनी खरीदती है आप बताएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट से और भी अधिक, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा है। आदरणीय साथियों, मुझे यह संतोष है कि हमने स्वामीनाथन कमेटी से और अधिक की राशि से धान खरीदा है। आदरणीय यह भी कहना चाहूंगा कि राहुल जी ने जो भूमि अधिकरण बिल पास कराया, बस्तर में लोहानी गुड़ा में जो जमीन टाटा के लिए लिया गया था, 4000 से अधिक एकड़ जमीन राहुल जी के नेतृत्व में, निर्देश में हमने वापस कर दिया। ये देश की पहली घटना है। साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम गांव को मजबूत करना चाहते हैं, गाय की सेवा करना चाहते हैं, ग्वालों की सेवा करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार है जो चरवाहों को भी मान दे देगी। आदरणीय साथियों, राहुल गांधी होने का मतलब अपने किए गए वादों को पूरा करना है। आदरणीय साथियों, जनता से किया गया वादा कोई जुमला नहीं होता। अच्छे दिन और 15 लाख देने की बात उन्होंने कही थी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। परसों बजट पेश हुआ, 500 रुपया दिया है, कहां 15 लाख।
खुद को फकीर बताने वाले 10 लाख के सूट पहन रहे हैं, चौकीदार बताने वाले राफेल के घोटाले में फंसा हुआ है। सावधान रहिएगा, जागते रहिएगा। ये तड़ी पर जो चुनाव जीतने का मशीन अपने आप को बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में वो चुनाव जीतने वाले मशीन को हमने खराब कर दिया है। अब आपकी पारी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने गठबंधन के साथी हैं वो सब मिलके ये तड़ी पर और ये राफेल के घोटाले बाज को बाहर भगाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से पूरे बिहार की जनता को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत धन्यवाद बघेल साहब। वीआईपी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश